लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में अभिभावकों ने लगाया धांधली का आरोप। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में विगत 11 तारीख से लगातार काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बैचलर डिग्री के साथ साथ मास्टर डिग्री की भी काउंसलिंग चल रही है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा काउंसलिंग में आए अभ्यर्थी और उनके साथ आए अभिभावकों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए कोई भी बेहतर इंतजाम नहीं किए गए हैं। जब हमारे संवाददाता अनुराग ठाकुर उक्त जगह पर जहां काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी वहां पर पहुंचे, तो काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को और उनके अभिभावकों का तांता लग गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन काउंसलिंग में अपनी मनमानी कर रहा। उन्होंने बताया लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो फीस अपडेट है वो 20,000 है, लेकिन काउंसलिंग स्थान पर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 28,000 कोर्स के लिए लिए जा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रही काउंसलिंग जो विगत पीछे 11 तारीख से चली आ रही है, एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आने वाले प्रतिदिन विद्यार्थियों कैंडिडेट की संख्या लगभग 400 से ऊपर जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ना उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था की गई है और ना पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है। उसी क्रम को जारी रखते हुए आइए जानते हैं कुछ विद्यार्थियों से, कुछ अभ्यर्थियों से जो इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आए हुए। अभी आप यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको क्या दिक्कतें आ रही है सामने? सर बात यही है कि 11 सीट चल पाए इसने, 11 सीट अभी ऐसा कह रहे हैं। अब वो रैंक के हिसाब से लगा रहे हैं नहीं लगा रहे पता नहीं है। या तो इंसान पोर्टफोलियो देख के जज करे। मैं अपना सारा सामान लाया हूँ, कैसे पता कौन सा एक बार एंट्रेंस में अच्छे रैंक आए उससे क्या फर्क पड़ता है? पोर्टफोलियो देख के काउंसलिंग करें। अब यहाँ पर डायरेक्ट रैंक सिलेक्शन हो रहा है, बात यह है। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से? मेरा नाम क्षितिज मिश्रा है, लखीमपुर खीरी से आया हूँ। यहाँ पर जब मैं सुबह आया था तो उन्होंने बताया था कि जो सेल्फ पेड सीट है उसकी जो मतलब फीस बताई थी उन्होंने 20,500 समथिंग बताई थी, ठीक है। वो जो फीस थी वो सब गार्जियंस ने अपने अकाउंट में मतलब वो कार्ड से ही पे कर दी थी। उसके बाद जब अभी हमारी सिस्टर यहाँ पर काउंसलिंग कराने आई तो वो ये बता रहे हैं कि अब जो फीस आपको जमा करनी है वो 28,300। जब मैं उनसे कारण बता पूछ रहा हूँ किस कारण वजह से 8,000 रुपये बढ़ गए, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। वहीं पर दूसरी ओर कुछ दूसरे अभ्यर्थी जिनको बैठने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं थी, वो इस उमस भरी धूप में पेड़ों के नीचे बैठकर सुस्ताते दिखे। इन सब अव्यवस्थाओं के बीच जब हमारे संवाददाता अनुराग ठाकुर ने काउंसलिंग प्रबंधक आरबी सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन सब के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की कमियां हर जगह नजर आई। सर ये बताइए कि ये ताज़ा मामला क्या है, लखनऊ विश्वविद्यालय में जो अव्यवस्थाएं चल रही है इसके बारे में क्या बताएं? अव्यवस्था जैसे एक फीस रसीद में हुआ, अभी उसकी 20,000 फीस थी, 28,000 उसके जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ियाँ थी वो बाद में ठीक करी गई। लेकिन सर नीचे तो लिख के आ रहा है कि 19,330 रुपये फीस है। 19,330 और उसमें 1,000 रुपये एनरोलमेंट फीस है, 20,000 फीस। तो सर ये सारी चीज़ें आपको पहले गार्जियंस को कम? हाँ नहीं नहीं, गार्जियंस में लिखा हुआ है 19,330 जो फीस में लिखा हुआ प्लस 1,000 एनरोलमेंट फीस पहले सेमेस्टर में लिखी। सर नीचे एक स्टूडेंट आई हुए उसके आपने उसके गार्जियन से आपने कहा कि आपको अगर एडमिशन लेना तो लीजिए वरना जाइए। ये क्या मतलब? जो हमारे यहाँ सिस्टम में तो आ गया वो गलती थी लिस्ट में, उसके लिए आओगे उसके लिए आपको जी सर बताएं। जी देखिए रैंकिंग जो भी है 21 अगर उसकी तो सर विश्वविद्यालय की अगर ये फॉल्ट आ रही है तो विश्वविद्यालय को ये सारी चीज़ें पहले गार्जियन को कंप्लीट करनी चाहिए। ये गार्जियन के पास है सारी चीज़ें हैं, अगर गार्जियन ने आज लिस्ट नीचे लिखी हुई है तो उसमें 31 लिखा होगा और 31 सर आपने पर डे जैसे 11 तारीख से काउंसलिंग चल रही है, 400 बच्चे पर डे लगभग आ रहे हैं, उनके बैठने के लिए पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था कराई? सारे लोग कमरे में बैठे हुए हैं, सारे बच्चे जितने हैं मेरे कमरे के अंदर बैठते हैं, पानी की व्यवस्था नीचे है, अगर गार्जियन आते तो कमरों में ही सारे। सर जो नीचे गार्जियन जो स्टूडेंट्स बैठे उनके गार्जियन देखिए सारे स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई स्टूडेंट मुझे बताए जिसको पानी नहीं मिला? सर पानी मिलने का मतलब ये नहीं है, आपके अधिकारी जो केवल पंखे के सामने बैठे हुए हैं बाकी लोगों के पंखे के सामने हमारे अधिकारी नीचे का पंखा लगा हुआ, सारे बच्चे टीचर बैठे और मुझे लगता है इस बार किसी के लिए भी किराए पर नहीं लिए गए जो भी हमारे फैन थे, बाकी सब जो भी व्यवस्था है। सर मैंने नेट पे देखा मेरी बेटी का रैंक अंशिका मुखर्जी 30 रैंक आया, वो जब मैं यहाँ कॉलेज आई मॉर्निंग में मुझे 31 रैंक मिला, ठीक है पता चला एक रैंक नीचे आ गया, जो रेगुलर रैंक था वो 31 हो गया। अब मुझे पता चला कि जहाँ मेरी बेटी
यहाँ एडमिशन लेने आए तो एक सीट आगे अप्लाई डेट खत्म हो। जैसा कि आपने अभी देखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किस तरीके से ये घालमेल चल रहा है, काउंसलिंग में आए दिन लगातार कोई ना कोई कमियां लगती चली आ रही है, किसी को किसी रैंकिंग के लिए प्रॉब्लम है, किसी को बैठने के लिए प्रॉब्लम है, किसी को पानी पीने के लिए प्रॉब्लम है, सारी बातें जानने के बावजूद भी हमको ये हम लोगों को ये निष्कर्ष पे आना पड़ रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो अभ्यर्थी बाहर से आ रहे हैं उनके बैठने के लिए कोई भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं अनुराग ठाकुर।